हेलो गाइस, दिस साइड आकाश माथुर फ्रॉम माय यूट्यूब चैनल मिस्टर वाइड स्कूल। ये हमारा थर्ड ट्यूटोरियल है सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के ऊपर, जिसमें आज हम सीखेंगे कि कोई भी प्रोग्राम कोड लिखने से लेकर उसके आउटपुट शो होने तक के जो भी प्रोसेसिंग होती है उसे हम समझेंगे। जैसे कि उस प्रोग्राम कोड को हम किस तरीके से कंपाइल करें, किस तरीके से एग्जीक्यूट करें, और इनके बीच में जितनी भी प्रोसेसिंग होती है उसे आज हम सीखेंगे। और इस वीडियो को देखने के बाद आपको ये समझ में आएगा कि कोई भी प्रोग्राम कोड और कोई भी सॉफ्टवेयर किस तरीके से एग्जीक्यूट होता है, किस तरीके से कंपाइल होता है, और उसके जो भी रिजल्ट्स होते हैं किस तरीके से आउटपुट डिस्प्ले में शो होते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे सोर्स कोड ऑफ अ फाइल। जो हमारा सोर्स कोड है वो कलेक्शन होता है इंस्ट्रक्शंस का, और जो हमारे इंस्ट्रक्शंस है वो कोई भी डेटा हो सकते हैं। जैसे कि आपने नोटपैड में कोई भी टेक्स्ट लिखा और एमएस वर्ड में कोई भी टेक्स्ट लिखा, तो जो हमारा कंप्यूटर सिस्टम है उस टेक्स्ट को एक डेटा की तरह लेगा और उस पर वर्किंग करेगा। तो वो जो डेटा, जो भी आपने डेटा लिखा, तो उस डेटा को जो हमारा कंप्यूटर सिस्टम है सोर्स कोड की तरह ट्रीट करेगा, तो उसी को हम सोर्स कोड कहते हैं। और जो हमारा सोर्स कोड है यूज़र के द्वारा इनपुट कराया जाता है इन ह्यूमन रीडेबल फॉर्म। और अगर आपने उसी सोर्स कोड को सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू लिखे हैं तो उसे सी सोर्स कोड कहते हैं, और अगर आपने सोर्स कोड को सेव कर दिए हैं तो उसे सोर्स फाइल कहते हैं। और जो आपकी सी सोर्स कोड है, अगर उसे आपने सेव कर दिया है तो उसे हम सी सोर्स फाइल के नाम से जानते हैं। जो हमारी सी सोर्स फाइल है उसे हम हमेशा डॉट सी एक्सटेंशन के साथ सेव करते हैं, क्योंकि जो हमारा डॉट सी है वो रिप्रेजेंट करता है कि जो हमारी सी सोर्स फाइल है कि वो बिलोंग कर रही है सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से। अब हम बात करेंगे कंपाइलेशन की। तो जो कंपाइलेशन है हमारा एक तरीके का प्रोसेस है कि सी सोर्स कोड को किस तरीके से कन्वर्ट करें मशीन कोड और ऑब्जेक्ट कोड में। जो हमारा मशीन कोड है वो जो हमारी मशीन्स हैं उनको, जो भी हमारे कोड, जो भी हमारी मशीन्स होती हैं, कि जो भी हमने सोर्स कोड लिखा है उन्हें समझाने के लिए कि हम उनसे क्या टास्क करवाना चाहते हैं, तो वो मशीन कोड होती है हमारी, जिसे हमारा मशीन समझता है। जो हमारा कंपाइलेशन है दो मेन कंपोनेंट्स को कंटेन करता है। पहला है हमारा प्री प्रोसेसर और दूसरा है हमारा सी कंपाइलर। तो जो हमारा प्री प्रोसेसर है, सबसे पहले जो हमारा सी सोर्स कोड होता है उसे कन्वर्ट करता है ऑप्टिमाइज्ड फॉर्म ऑफ सी सोर्स कोड में। तो जो हमारा ऑप्टिमाइज्ड फॉर्म ऑफ सी सोर्स कोड को हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि जो हमारा सी सोर्स कोड है उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव कर देता है, उसमें जितनी भी कोड्स हैं उनकी क्वालिटी को इम्प्रूव कर देता है, जिसकी वजह से जो हमारा सी सोर्स कोड है स्मॉलर हो जाता है साइज़ में और कंज्यूम करता है लेस मेमोरी को, जिसकी वजह से जो स्पीड ऑफ एग्जीक्यूशन है हमारे सी सोर्स कोड की वो बढ़ जाती है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है उसमें हमारी वर्किंग होती है सी कंपाइलर की। तो जो हमारा ऑप्टिमाइज्ड फॉर्म ऑफ सी सोर्स कोड आ चुका है, तो जो हमारा सी कंपाइलर है ऑप्टिमाइज्ड फॉर्म ऑफ सी सोर्स कोड को कन्वर्ट कर देता है ऑब्जेक्ट कोड में या मशीन कोड में। तो जो हमारा सी सोर्स कोड है जिसे हम समझ रहे थे, जो हमने इनपुट दिया था ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में दिया था, तो वो कन्वर्ट हो चुका है ऑब्जेक्ट कोड और मशीन कोड में, जिसे हमारी मशीन समझ सकती है। तो अगर आपने विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के एनवायरनमेंट में ये सारी कंपाइलेशन की है अपने प्रोग्राम कोड की, तो वो कन्वर्ट हो जाएगी आपकी .obj एक्सटेंशन में। और आपने यही कंपाइलेशन लिनक्स या यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर की है, तो जो भी आपका ऑब्जेक्ट कोड है वो .o एक्सटेंशन के साथ सेव हो जाएगा, और जो हमारी ऑब्जेक्ट फाइल है वो कंटेन करती है ऑब्जेक्ट कोड को। अब हम इस डायग्राम को समझेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हमारे पास जो हमारा सी सोर्स फाइल था वो डॉट सी एक्सटेंशन के साथ था, फिर जब हमने उसे कंपाइल किया तो प्री प्रोसेसर का रोल हुआ सबसे पहले, और जो सेकंड रोल था हमारा सी कंपाइलर का हुआ। तो इस तरीके से हमारा डॉट ओ बी जे एक्सटेंशन वाली हमारे पास फाइल आ गई, और डॉट ओ एक्सटेंशन वाली फाइल आ गई अगर आप लिनक्स या फिर यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के एनवायरनमेंट में काम कर रहे थे, ठीक है। तो लेकिन अगर इस कंपाइलेशन के दौरान अगर आपके इंस्ट्रक्शंस में कोई भी एरर हुआ, या आपने जो भी फंक्शंस का इस्तेमाल किया है उनमें अगर कोई भी एरर हुआ, तो वो कंपाइलेशन आपकी कंप्लीट नहीं होगी, तो वो आपको दोबारा से आपको सी सोर्स फाइल के पास भेज देगा और आपके सारे एरर्स दिखा देगा कि आपके इस लाइन में ये एरर है और इस कॉलम में ये एरर है। तो इस तरीके से आपको उन सारे एरर्स को पहले सॉल्व करना पड़ेगा। तो जब आप उन एरर्स को सॉल्व कर लेंगे उसके बाद आप उसे दोबारा कंपाइल करेंगे। तो जब आप दोबारा कंपाइल करेंगे, अगर आपके सारे एरर सॉल्व हो चुके होंगे, तो आपको .obj एक्सटेंशन वाली फाइल मिल जाएगी। तो उसके बाद फिर हमारा काम आता है लिंकर का। अगर आपने मल्टीपल जो भी हमारे फाइल्स हैं उन पे अगर आपने काम किया है, मल्टीपल सोर्स कोड लिखे हैं मल्टीपल फाइल्स में, अगर आप उन्हें लिंक करके एक सिंगल एग्जीक्यूटेबल फाइल में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो आप लिंकर की हेल्प से ये कर सकते हैं। तो सी स्टैंडर्ड लाइब्रेरी के कुछ फंक्शंस का इस्तेमाल करके आप डिफरेंट मल्टीपल
मल्टीपल फाइल्स को, जो भी आपके मल्टीपल डॉट ओबीजे वाले फाइल्स हैं उन्हें कंबाइन कर सकते हैं इनटू अ सिंगल एग्जीक्यूटेबल फाइल में। लेकिन अगर आपने जो फंक्शंस का इस्तेमाल किया है सी स्टैंडर्ड लाइब्रेरी के, अगर उनमें कोई एरर आया तो आपको दोबारा से भेज देगा आपके सी सोर्स फाइल के पास, फिर उन एरर को सॉल्व करना पड़ेगा आपको और उसे दोबारा से कंपाइल करना पड़ेगा। दोबारा से कंपाइल करने के बाद अगर सारे एरर सॉल्व हो गए तो आपको डॉट ओबीजे एक्सटेंशन वाली फाइल मिल जाएगी, फिर आप उसे दोबारा से लिंक कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपकी ये प्रोसेसिंग होती है। फिर अगर आपने सिंगल जो भी आपकी सोर्स फाइल थी उस पर वर्किंग की है, तो सिंपली जब आपके पास डॉट ओबीजे एक्सटेंशन वाली फाइल आ गई थी तो उसे आप रन कर देंगे, रन करते ही आपके पास एग्जीक्यूटेबल फाइल आ जाएगी। लेकिन अगर आपने लिंक किए हैं मल्टीपल ऑब्जेक्ट फाइल्स को, तो जब आपकी फाइल जो सिंगल फाइल आएगी आपकी एग्जीक्यूटेबल फाइल लिंक होने के बाद, तो फिर जब आप उसे रन करेंगे तो उसके बाद आपकी फाइल आएगी एग्जीक्यूटेबल फाइल, जो कि कंटेन करेगी .exe एक्सटेंशन। इससे हमें ये पता चलेगा कि .exe एक्सटेंशन से हमें ये पता चल जाएगा कि हमारी एग्जीक्यूटेबल फाइल है। उसके बाद जब हमारे पास एग्जीक्यूटेबल फाइल आ गई तब हमारा काम आता है लोडर का। तो लोडर क्या करेगा, जो हमारी एग्जीक्यूटेबल फाइल आई है उसे लोड कर देगा रैम में। तो जितना भी डेटा होगा, जितनी भी इंस्ट्रक्शंस होगी हमारी एग्जीक्यूटेबल फाइल की, वो लोड हो जाएंगी हमारी रैम में। तो जब हमारी वो जितना भी हमारा एग्जीक्यूटेबल फाइल की जितनी भी इंस्ट्रक्शंस हो थी वो लोड हो चुकी है अब रैम में, तब हमारी बारी आएगी एग्जीक्यूशन की। तो जब हमारी एग्जीक्यूटेबल फाइल के इंस्ट्रक्शंस लोड हो गए रैम में, तो अब हमारी जो भी इंस्ट्रक्शंस थी उसे वन बाय वन एग्जीक्यूट किया जाएगा। तो जब वो एग्जीक्यूट हो जाएंगी तो जो भी इंस्ट्रक्शंस का हमारा आउटपुट था वो उनके जो भी रिजल्ट्स थे वो डिस्प्ले हो जाएंगे हमारे डिस्प्ले स्क्रीन में। तो यही वर्किंग होती है हमारी एग्जीक्यूशन की। सो गाइस, इस तरीके से जो भी हमारी वर्किंग है एक सी सोर्स फाइल से लेकर उसके आउटपुट शो होने तक, तो यही सेम वर्किंग होती है हमारी किसी भी सॉफ्टवेयर की और किसी भी प्रोग्राम की। सो गाइस, ये वीडियो हमारी यहीं पर ओवर होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियो। हम आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो हिट बटन लाइक करें, अगर आपको पसंद नहीं आए तो डिसलाइक बटन हिट करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाके अपने कमेंट को लीव कर सकते हैं। सो देन, बाय गाइज़।